जल्दी से बहुत जरूरी बात आपको बताने वाला हूं बीच टेस्ट में। देखिए, अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब अभी उनको पढ़ना क्या लग रहा है, बोल रहे हैं क्या करेंगे पढ़ के, कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, कुछ फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे ना, तो अगर आपकी उम्र 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, जितनी भी आपकी एज है, 20 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, तो ये उम्र कब पता नहीं चलेगा, ये आपकी उम्र 27, 25, 24 तक आपकी चली जाएगी और आपका समय ऐसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद आप कहीं भी प्राइवेट नौकरी करने जाएंगे ना, तो आपको 8 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी अगर आप अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे, अन्यथा आपको 12 घंटे नौकरी करेंगे, तब आपको कितने मिलेंगे, 12,000 मिलेंगे। काश आप उस 12 घंटा या 8 घंटा नौकरी करने के बजाय, अगर आप आज 8 घंटे नहीं, 12 घंटा नहीं, अगर 6 घंटे या 4 घंटे भी रेगुलर आप पढ़ लेंगे ना, तो भाई आपकी नौकरी अवश्य लग जाएगी। मैं पूरा मतलब आपको प्रैक्टिकली ये चीजें बता, सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो जो जिनकी उम्र निकल गई है वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो उनका दर्द भी मुझे पता है, क्योंकि मैं ये काम करता रहता हूँ, लोगों से बातें करता रहता हूँ, सभी का मतलब व्यू जानता रहता हूँ। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेहनत कर लीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मुझसे पढ़ें, ठीक है, या बोलोगे गुरु जी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, मैं नहीं बोल रहा आप मुझसे पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, बुक से पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें, लेकिन भाई पढ़ लें। लेकिन ये जो समय है ना, निकल जाएगा आप फिर बहुत पछताएंगे भाई, उसका आप सब अभी समय की कीमत नहीं समझ पाएंगे। आपको समय रहते हुए बाद में ये चीजें आपको ज्ञान होगा। मैं तो बता देता हूँ भाई, क्योंकि मुझे जब आपसे मैं बिल्कुल अच्छे से छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन की तरह जब आपको पढ़ाता हूँ, तो ये चीजें मेरा बताना कर्तव्य बनता है, मेरा बताना भाई बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपको ये बातें बुरी लग रही हैं तो जो आपका मन करे वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ कोई ये नहीं है कि मैं पेड कोर्स बेच रहा हूँ, गुरु जी हमारा, हम तो पेड कोर्स बेच रहे हैं, मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अपने आपको बोलता हूँ स्टडी करें, जो मन करें वो करें, बस पढ़े आप, ठीक है, जो भी करना है अच्छे से करना है भाई। ये जो समय है ना, जब निकल जाएगा ना, पता है अभी जैसे बहुत स्टूडेंट है मेरे पास, बात होती रहती है, कि स्टूडेंट से मेरी अभी बात हुई थी फॉरेस्ट गार्ड की, शायद वो तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादा मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, घर वाले तो कम कर रहे हैं, पड़ोसी रिश्तेदार बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कि तू 3-4 साल से पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशन आप झेल रहे हैं। जिस दिन आपका नंबर आ जाएगा ना, तो नंबर आने के बाद जो आपको फीलिंग आएगी ना, सभी आपको जो सम्मान मिलेगा, तो भाई वो बात एक अलग ही रहती है, तो और लोगों पर ध्यान ना दें कोई। जल्दी से सर, आपकी बात सुनकर आंखों में आंसू आने लग गया। चलो भाई, ऐसी कोई बात नहीं, बस बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ एकदम, ठीक है, क्योंकि दिल से ये चीजें